हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, ये आपको शो करना है। चलिए सबसे पहले गिवन पे आते हैं। फिगर इसमें आपको खुद बनानी होगी, ये बुक में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। मैंने ए बी सी डी बना दिया, ये रोम्बस है। पी क्यू आर एस जो है ना मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के। आपको शो करना है कि ये जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ना, ये एक रेक्टेंगल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि ए बी सी डी का ये जो डायगनल है ना ए सी, इसे ज्वाइन करना होगा। और फिर ये जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, इसके ये जो डायगनल्स हैं एस क्यू और पी आर, इसको ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन ए सी पी आर एंड एस क्यू। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको पी क्यू आर एस है ना, इसे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद इसके ये जो डायगनल्स हैं ना, इनको हम इक्वल कर देंगे। तो डायगनल्स को इक्वल करने के बाद ये पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी रहेगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मैं ए डी सी ट्राइंगल को लेता हूं। इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल के अंदर एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और R इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ये सी डी का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? जब किसी ट्राइंगल के अंदर कोई दो साइड का मिड पॉइंट से ज्वाइन होकर कोई लाइन सेगमेंट बनती है, तो वो जो लाइन सेगमेंट होती है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ भी होती है। यहां भी ऐसा ही हो रहा है। ये एस आर जो है मिड पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट बन गई, तो एस आर ए सी के हाफ भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो देयर फोर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो एस आर लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल होगी ए सी के, और ये हाफ भी होगी ए सी के। एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये मेरा रिजल्ट नंबर वन। अब जिस तरह से मैंने ये ऊपर किया है, बिल्कुल सेम टू सेम मुझे ए बी सी ट्राइंगल के अंदर यही करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब यहां मिड पॉइंट थ्योरम लग गई, तो देयर फोर बाय मिड पॉइंट थ्योरम मैं कह सकता हूं कि ये जो पी क्यू है ना, ये ए सी के पैरेलल है और पी क्यू ए सी के हाफ भी है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ये मेरा रिजल्ट नंबर टू। अब वन और टू पे आप ध्यान दें। देखिए ये जो एस आर है और पी क्यू है, ये दोनों की दोनों लाइनें ए सी के पैरेलल हैं। यहां से देखिए एस आर और पी क्यू दोनों ही ए सी के पैरेलल हैं, और एस आर और पी क्यू दोनों ही ए सी के हाफ के बराबर हैं, यानी पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई एक आमने सामने वाला पेयर लेंथ में बराबर हो जाए और पैरेलल हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम ही होता है। तो वन और टू से मेरा ये शो हो गया, ये प्रूफ हो गया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो मैं रिजल्ट लिखूंगा फ्रॉम वन एंड टू, मुझे ये मिला कि एस आर पैरेलल टू पी क्यू और एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। अब जब अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो वो पैरेललोग्राम ही होता है। तो देयरफोर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमने आधा क्वेश्चन तो कर लिया। अब पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया।
अब इसके बाद इसके जो डायगनल्स है ना, इन्हें हम इक्वल प्रूफ करेंगे। डायगनल प्रूफ होते ही ये रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि जिस पैरेललोग्राम के डायगनल्स बराबर होते हैं ना, वो रेक्टेंगल होता है। चलिए अब इन डायगनल्स को हम बराबर प्रूफ करेंगे। तो फिगर ले लेते हैं, पैरेललोग्राम तो हमने ये प्रूफ कर ही लिया है, अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए इसके डायगनल्स को बराबर प्रूफ करते हैं। तो रेक्टेंगल्स, यहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एस। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एस, ए बी क्यू एस के अंदर क्या है? देखिए, जो पूरा का पूरा है ए बी सी डी, ये एक रोम्बस है। रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं, और यहां पे ये एस और क्यू मिड पॉइंट है। तो ए बी क्यू एस के अंदर ये जो ए एस है और ये जो बी क्यू है, ये आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और बराबर भी होंगी क्योंकि ये इनके मिड पॉइंट है। तो इसके अंदर ये जो ए एस है, ये पैरेलल होगा बी क्यू के, और ये ए एस इसके बराबर भी होगा। रीजन में आप ये लिखना जरूर, क्योंकि ये हाफ है, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस। अब यहां भी ये चीज प्रॉपर्टी यूज होगी जो हमने लास्ट में किया है, कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई एक पेयर, अपोजिट लाइंस का पेयर जो होता है, वो अगर पैरेलल हो जाए और वो बराबर आ जाए लेंथ में, तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो ए बी क्यू एस एक पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर ए बी क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर जो इसका जो दूसरा पेयर है, अब ये पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया, तो दूसरा पेयर इसमें क्या है, ए बी और एस क्यू, अपोजिट साइड्स का पेयर है ना ये, तो ये आपस में बराबर होगा। तो एस क्यू इज इक्वल टू ए बी। यहां से मुझे ये रिजल्ट निकला है, यानी ये जो डायगनल है ना, एस क्यू डायगनल, ये मैंने ए बी के बराबर प्रूफ कर दिया। ये मैं रिजल्ट नंबर 4 रखूंगा। अब सेम टू सेम इसी तरह से मुझे जो पी आर डायगनल है, उसे मैं बी सी के बराबर प्रूफ करूंगा। तो अब मैं ले लूंगा क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर। इन क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर, पी बी सी आर के अंदर भी यही चीज अप्लाई होगी, क्योंकि ये साइड्स तो आपस में पैरेलल होंगी, रोम्बस की हैं, पैरेलल होंगी, यानी कि पी बी पैरेलल टू आर सी। और ये पी बी और आर सी बराबर भी होंगी, क्योंकि ये इक्वल साइड्स का हाफ है। तो पी बी इज इक्वल टू आर सी। अब पैरेलल भी हैं एक पेयर, और वो बराबर भी है, तो देयरफॉर ये पी बी सी आर एक बन जाएगा पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, तो इसका जो दूसरा पेयर है, दूसरा पेयर यानी कि अपोजिट साइड का, वो है पी आर और बी सी। तो पी आर और बी सी भी आपस में बराबर होंगे, तो पी आर इज इक्वल टू बी सी। अब ये मैंने बी सी के बराबर तो प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, कि इस पी आर को मैं बी सी की जगह यहां पे ए बी लिख सकता हूं। ए बी मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि जो ए बी है वो बी सी के बराबर ही तो है। इसकी चारों की चारों साइड रोम्बस है ना, ये चारों साइड आपस में बराबर है, तो जितना ए बी है उतना ही बी सी है। तो मैंने बी सी की जगह पे ए बी लिख लिया, क्योंकि बराबर है। इसे मैं रिजल्ट नंबर 4 ये रिजल्ट नंबर 3 होगा, ये रिजल्ट नंबर 3 होगा, ये रिजल्ट नंबर 4 होगा। अब 3 और 4 से आप देख रहे हैं कि एस क्यू ए बी के बराबर हो गया, और पी आर ये भी ए बी के बराबर हो गया। तो जब कोई दो चीजें किसी एक चीज के बराबर हो जाती हैं, तो वो आपस में भी बराबर हो जाती हैं। तो रिजल्ट लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, एस क्यू इज इक्वल टू पी आर, एस क्यू इज इक्वल टू पी आर। और एस क्यू और पी आर क्या है, ये डायगनल्स ही तो हैं। जब ये डायगनल्स बराबर हो गए, तो यानी कि पैरेललोग्राम तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो पैरेललोग्राम के डायगनल्स प्रूफ हो गए, तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन खत्म।
खत्म। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना था कि सबसे पहले आप PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे नंबर वन, फिर पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं इन डायगनल्स को बराबर प्रूफ करेंगे, और जिस पैरेललोग्राम के डायगनल्स बराबर होते हैं वो रेक्टेंगल ही होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।